हरीन। अरे यार, अब इतनी छोटी सी बात पे नाराज तो मत हो। असवन, आप इस बारे में मुझसे कोई बात मत करें। अरे बाबा, तो तुम्हें इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए थी ना। मैं वैसे ही परेशान हूं। चुप कर जाएं असवन, उसकी हिमायतें करना बंद कर दें आप। अच्छा बताएं, क्यों परेशान हैं आप? मैंने फराज पर इल्जाम तराशी करके अच्छा नहीं किया। मेरा छोटा भाई है और मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए फराज और समीन पर झूठा इल्जाम लगा दिया। बचा तो फिर भी नहीं सके आप मुझे। मैं जाने यकीन कर लिया फराज की बातों पे। उन्होंने ऐसी कोई बात की है तुमसे क्या? कहा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह वो मुझ पे तंज कर रही थी, यहां तक कि समीन के सामने मुझे झूठा तक कह दिया, से साफ जाहिर हो रहा था कि वो फराज की बातें मान चुकी है। तो फिर क्या फायदा है इस सब करने का? बिला वजह फराज का दिल दुखाया, उसे दुश्मनी मोल ले ली। अब ले लिए ना तो रहने दे। इस बहाने आपको इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि इस घर में आपकी ज्यादा हैसियत है या फराज की। लेकिन मैं ये सब नहीं लेकिन चाहता। मैं चाहती हूं आपकी हैसियत से मेरी हैसियत का तायुन होगा असवंत, और मैं ना समीन से 0% कम हैसियत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बता रही हूं आपको। तुम कुछ ज्यादा ही रूड और जिद्दी नहीं हो गई हो या पहले से थी? और तुम्हारा ये रूप मुझ पे अब खुल रहा है। मैंने तो बस सच बोला है। उधर वो समीन आंटी को भी नहीं बख्शती, आपको पता है? उनकी परवाह किए बगैर उनको जवाब देने लग गई है वो। जाहिर है, कोई इंसान किसी को कब तक दबाएगा? आखिरकार चोटी भी तंग आकर काट ही लेती है। असवंत, आपने फिर उसकी हिमायतें शुरू कर दी। अरे भाई, ठीक है, ये बहस छोड़ो। मैं जा रहा हूँ फराज से माफी मांगने के लिए। वैसे भी जब मामा को सब कुछ सच पता चल ही गया है, जो कि सच है भी, तो फिर उसे नाराज रख के क्या फायदा? मैंने आपसे कहा है ना, अभी नहीं। मगर क्यों? तुम्हें जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है। असवंत, लेकिन आप अपनी जिंदगी के फैसले अकेले नहीं ले सकते, क्योंकि अब मैं भी आपकी जिंदगी में शामिल हूं ना। ये नाराजगी कब खत्म करनी है, हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे।